हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं हम आपका PDPM नॉलेज में। आज हम आपके साथ जो है राष्ट्र गौरव का जो आपका पेपर होता है उसके सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। पहले इसके सिलेबस के बारे में जानते हैं कि इसमें होता क्या है। तो पहला आपका है प्राचीन सभ्यता होने का गौरव, दूसरा दार्शनिक आध्यात्मिक उत्कर्ष, तीसरा साहित्य विज्ञान एवं ज्योतिष, चौथा कला और स्थापत्य, पांचवा आपका प्रमुख राष्ट्रीय चरित्र एवं व्यक्तित्व। आपका पेपर के बारे में बता दें तो आपका जो है टोटल जो है 100 क्वेश्चन होता है और आपको 1 घंटे मिलते हैं और पास होने के लिए कम से कम आपका 35% होना चाहिए। तो हम आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार पूछा जा रहा है, रिपीट हो रहा है, उसके बारे में पहले डिस्कस करते हैं, फिर आपके साथ 100 क्वेश्चन का एक सेट आपके साथ प्रैक्टिस करेंगे। ये जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है ना कि आपके बस पेपर राष्ट्र गौरव में आएगा, बल्कि आपको जो है ये क्वेश्चन MTS में, ग्रुप डी या कहीं भी एग्ज़ाम में, जनरल एग्ज़ाम में आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि स्टैटिक GK है तो आपको कहीं भी मिल सकता है। पहला क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति जो है बोधगया में हुआ था। इनका नाम सिद्धार्थ था और इनका जन्म जो है लुम्बिनी में हुआ था। इनको ज्ञान की प्राप्ति जो है आपका फल्गु नदी या फिर आप बोलते हैं उसी को निरंजना नदी किनारे हुआ था। और जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो ये इनको जो है बुद्ध का नाम दिया गया। और ये पहला उपदेश अपना सारनाथ में दिए थे और किस भाषा में दिए थे? पाली भाषा में दिए थे। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो दयानंद सरस्वती ने की। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? गुरुमुखी। और हिंदी की क्या है? देवनागरी। उर्दू की फारसी। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में किया जाता है? मधुमेह। इंसुलिन का आपका इंजेक्शन भी लगाया जाता है जो शुगर पेशेंट होते हैं। रतौंधी किस बीमारी की कमी से होता है? विटामिन ए। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? पुर्तगाल का। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? केरल। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? 1911 में जो है दिल्ली भारत की राजधानी बनी। इसके पहले राजधानी कहाँ थी? कोलकाता। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? हीरा। भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ? 1853 में। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क। किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद होता है? विटामिन के। ओलंपिक खेल का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? 4 वर्षों के बाद। अगर ये पूछ लिया जाए कि आपका ओलंपिक 2021 कहाँ होगा? जापान टोक्यो में होने वाला है, जुलाई से ही स्टार्ट होगा वो। किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? चीन। यानी चीन एक ऐसा देश है जिसकी जो स्थल जो आपका सीमा है स्थली सीमा वो मैक्सिमम देशों के साथ लगती है। अब हम आपको क्या करेंगे, सेट वाइज जो है क्वेश्चन कराएंगे। हर सेट में 100 क्वेश्चन रहेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, देवगढ़ के दशावतार मंदिर का निर्माण हुआ था। ये मंदिर का निर्माण जो आपका हुआ था गुप्तों के समय में हुआ था और यह मंदिर कहाँ पे है? ललितपुर UP में है। और किसका मंदिर है? यह मंदिर है विष्णु जी का। यहाँ पर लिखा है 23वें तीर्थंकर थे, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे आपके पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ जो थे आपके जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। 24वें कौन थे? महावीर स्वामी जी। और महावीर स्वामी जी अंतिम तीर्थंकर थे जैन धर्म के। स्मृतियों के अनुसार कुल संस्कार बताए गए हैं 16। कौटिल्य का एक अन्य नाम है विष्णुगुप्त। शैक्षिक संस्कार के रूप में प्रतिष्ठित है उपनयन संस्कार। शहीद बिस्मिल को फांसी दी गई थी गोरखपुर के कारागार में। निम्नलिखित में से कौन गणतंत्र राज्य नहीं था? कौशल। मेघदूत के लेखक हैं कालिदास जी। प्राचीन भारत में कृषि उपज में राजा का सैद्धांतिक भाग होता था 1/6। आस्तिक का अर्थ है ईश्वर को मानने वाला। अनास्तिक क्या होता है? जो ईश्वर में विश्वास न रखे उसे नास्तिक बोलते हैं।
भारतीय कला का स्वर्ण काल गुप्त काल को कहते हैं। उपनिषद का अर्थ होता है समीप बैठना। चारों वर्णों का उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद के किस मंडल में हुआ है? 10वें मंडल में। और ऋग्वेद में पूरे 10 मंडल ही हैं। रामायण के रचयिता कौन है? वाल्मीकि जी। और रामचरितमानस के? तुलसीदास जी। अर्थशास्त्र में राज्य के कितने अंगों की चर्चा की गई? 7। और अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? चाणक्य। राष्ट्र शब्द पहली बार उल्लेखित है? आपका राष्ट्र जो शब्द है वो आपका जो है ऋग्वेद में उल्लेखित है। वेदों का सही क्रम है तो आपको अच्छे से पता होगा, पहले से पढ़ते आ रहा हूँ कि वेद का सही क्रम क्या हो सकता है। पहला आपका ऋग्वेद आएगा, फिर दूसरा आपका यजुर्वेद आएगा, तीसरा सामवेद आएगा, चौथा अथर्ववेद आएगा। सबसे पुराना आपका ऋग्वेद है और सबसे बाद का आपका अथर्ववेद है। ऋग्वेद के रचनाकार हैं तो वेद व्यास जी हैं। पुरुषार्थ का सही क्रम है, इसका सही क्रम है आपका धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। वेद का अर्थ होता है आपका ज्ञान से। तराइन के प्रथम युद्ध में कौन विजयी हुआ? पहली बार तराइन का जो प्रथम युद्ध था आपका 1191 में हुआ था, और वो जो है पृथ्वीराज मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था। और पहले युद्ध में पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी को हराया था, और 1 साल बाद यानी 1992 में मोहम्मद गौरी ने फिर पृथ्वीराज को हरा दिया। तो पहले युद्ध का विजयी कौन है? पृथ्वीराज चौहान। भारतीय संस्कृति का आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते किस ग्रंथ से संबंधित है? मुंडकोपनिषद। परम तत्व किस कृति में प्रेमिका के रूप में है? तो आपका पद्मावत। और पद्मावत के लेखक हैं आपके मलिक मोहम्मद जायसी साहब। इनकी 3 प्रमुख रचना है, पद्मावत और अखरावट और आखिरी कलाम। पद्मावत के अखरावट को आखिरी सलाम। शून्य का आविष्कार किसने किया? आर्यभट्ट। आलवार भक्तों का संबंध किस प्रदेश से है? तमिल प्रदेश। ललित कला के अंतर्गत नहीं आते आपका पर्यावरण। रामायण में कांडों की संख्या? 7। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा। पुरुषार्थों की संख्या? 4। अभी पीछे ही बताया मैंने कि पुरुषार्थ कितने होते हैं, तो पुरुषार्थों की संख्या 4। संस्कृति में किसकी गणना नहीं होती है? प्रशासन। प्रेम मार्गी कवि हैं मलिक मोहम्मद जायसी साहब। अभी मैंने पीछे आपको इनके रचनाओं के बारे में बताया था कि पद्मावत के अखरावट को आखिरी सलाम, यानी पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम इनकी 3 रचनाएं प्रमुख हैं। परम प्रियतम परमात्मा को प्रेम द्वारा पाना किस साधना का अंग है? कृष्ण भक्ति साधना। अगला क्वेश्चन है, श्रीमद् भगवद गीता में गोपियों की श्रेणियां हैं, कुमारिका, गोपांगना, ब्रजांगना तीनों ही श्रेणियां हैं, और श्रीमद् भगवद गीता को लिखा था वेदव्यास जी ने। किस मार्ग में भगवान अपने शरणागत को अनुग्रह भाव से प्रपंच मुक्त कर देते हैं? ये आपका हो जाएगा योग मार्ग। पद्मावत किस रचना है? अभी बताया था मैंने पीछे, जायसी साहब का है। निर्गुण संत नहीं हैं तो ये आपके केशवदास जी हैं। रास पंचाध्यायी किसकी रचना है? नंददास। श्री रामार्चन पद्धति किसकी रचना है? स्वामी रामानंद। कौन सा वेद संगीत से संबंधित है? सामवेद। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? अकबर द्वारा कराया गया था। और फतेहपुर सीकरी आपका उत्तर प्रदेश में है, और इसका निर्माण 1569 में हुआ था, और यूनेस्को के जो है विश्व धरोहर स्थल में 1986 में इसको शामिल किया गया।